नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पेंसिल स्केच, जिसको करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है 8B पेंसिल, जो कि आर्ट लाइन का है। और मैंने दूसरा एक पेंसिल यूज़ किया है, वो है 2B पेंसिल, जो कि अप्सरा कंपनी का है। आप लोग देख सकते हो, ये है 2B पेंसिल। और मैंने यहाँ पर और एक पेंसिल यूज़ किया है बारीक लाइनों को करने के लिए, वो है मैकेनिकल पेंसिल। आप लोग देख सकते हो, मैकेनिकल पेंसिल है दोस्तों। और एक मैंने जो आउटलाइन होता है उसको इरेज करने के लिए यहाँ पर यूज़ किया है रबर को। और यहाँ पर मैंने ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया है पेपर स्टाम्प। ये घर में बनाया हुआ पेपर स्टाम्प है दोस्तों। आप लोग आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो कैसे पेपर स्टाम्प आप लोग खुद ही बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं ड्राइंग को। यहाँ पर ड्राइंग को करने के लिए मैंने यूज़ किया है 2B पेंसिल। और जो ड्राइंग का बेसिक मेज़रमेंट है वो मैंने पहले स्केल द्वारा कर लिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। उसको करने के बाद जो आउटलाइन है, जो मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर कर लिया था, वो देख के और लाइनों को ठीक से मेज़रमेंट करके मैंने यहाँ पर जो आउटलाइन है वो 2B पेंसिल से कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। और आउटलाइनों को धीरे धीरे आप लोग कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जल्दी करने के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। और आउटलाइन हो जाने के बाद आप लोग ठीक से मेज़रमेंट से मिला लेना कि आउटलाइन बराबर हुआ है कि नहीं, ओके। यहाँ पर पेंसिल स्केच को मैंने थोड़ा टाइम लैप्स कर लिया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। और आप लोग धीरे धीरे ये तो पूरा जो पेंसिल स्केच है वो कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं।